Students, today we'll do a balancing of redox reaction by ion electron method in acidic medium. Before I start, I tell you that there are two methods of balancing of redox reactions. First is ion electron method and second is oxidation number method. So today I'm doing ion electron method, remember, and medium is acidic. दो चीजों पे बेटा बड़ा ध्यान देना है कि आप किस मीडियम में कर रहे हो और कौन सा आपका मेथड है. सो आई विल बैलेंस दिस इक्वेशन. स्टेप्स मैंने पहले लिखे हुए हैं, सो जस्ट एक बार स्टेप को रिवाइव करते हैं सो दैट इन द फ्यूचर इजी रहे. फर्स्ट राइट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल, मींस आई हैव टू राइट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. देन आई हैव टू डिवाइड द रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट करना है. जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था दैट व्हेन वी हैव जस्टिफाइड द रिडॉक रिएक्शन कि उसमें दो पार्ट अलग किए थे कि ये ऑक्सीडेशन है ये रिडक्शन है, सेम हमें यहाँ पर भी करना है. Then we have to balance the atom whose oxidation state changes. जिसकी स्टेट चेंजेस सिर्फ उसी को बैलेंस करना है, बाकी को टच नहीं करना है. Then I have to add the electrons. तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन मैं ऐड करूंगा that will be equal to difference in oxidation state. किसके इक्वल होगा? Difference in oxidation state. और याद करने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, keep remember कि in oxidation half electron are added to right hand side, in reduction half they are added to left hand side. Then I have to balance the charge. This step number 5, इसमें आपको मीडियम देखने की जरूरत है, therefore मैंने सर्कल किया हुआ है दो स्टेप पे, number 5 and number 7. Means whenever you perform step number 5 and whenever you perform step number 7, just see आप किस मीडियम में बैलेंस कर रहे हो, okay? So चार्ज के लिए for acidic medium H positive ऐड करेंगे, basic medium OH negative ऐड करेंगे. Now step number 6, for balancing of oxygen I will add water molecules. जहां पर बेटा जितना ऑक्सीजन कम हो वहां पर आप उतने वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कीजिए. नेक्स्ट बैलेंस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की बैलेंसिंग में भी यू हैव टू सी द मीडियम. अगर एसिडिक मीडियम है तो बेटा क्या करोगे? एच पॉजिटिव ऐड करोगे. सपोज बेसिक मीडियम है देन व्हाट विल यू डू? देन जितने हाइड्रोजन कम है बेटा उतने वाटर ऐड कर रहे हैं और उसके अपोजिट साइड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आर एडेड. ठीक है, इन द लास्ट इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन. दोनों हाफ में इलेक्ट्रॉन इक्वल कर रहे हैं, किसी में 2 है और दूसरे में 4 है, तो 2 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना, विल सी यस, और दोनों हाफ को ऐड कर देना. सो जस्ट सी आउट स्टेप नंबर 1 क्या बेटा, राइट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल. तो बेटा ऑक्सीजन की स्टेट आपको पता है, जब वो मेटल से कंबाइन होता है तो -2. क्रोमियम डी ब्लॉक मेटल है, मैंने बताया था आपको कि जो डी ब्लॉक मेटल है उनकी स्टेट हमेशा कैलकुलेट कर. आपको पिछले लेक्चर में समझाया भी था कि आपको एस और पी ब्लॉक अच्छी तरह लर्न है, तो उनके अलावा अगर कोई मेटल आ जाए तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ डी ब्लॉक मेटल. ठीक है ना, तो उनकी स्टेट हमेशा कैलकुलेट करनी है बिकॉज दे विल हैव वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट. जैसे Fe2+ भी शो करता है, +3 भी शो करता है, तो वहां पर हम एक फिक्स स्टेट पे काम नहीं करेंगे. तो यहाँ पर सपोज करने के लिए बेटा हमने x सपोज करा, तो 2x ऑक्सीजन की स्टेट -2 होती है, 7 से मल्टीप्लाई करो, -14 = 2. बेटा इस पूरे पर चार्ज -2 है, सॉल्व करेंगे, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी +6, ये आ गया +6. नाउ Fe पे +2 चार्ज है, +2. आपको बताया था मैंने जिन आयंस में सिंगल एटम होता है, मोनो एटॉमिक आयंस, उन पे जितना चार्ज है वही उनकी स्टेट है. सो यहाँ पर स्टेट क्या होगी बेटा? +3, एंड हियर आल्सो द स्टेट इज +3. सो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट, वी हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. नाउ बेटा वी हैव टू डिवाइड इट इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ. तो देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ. आपको पता है यहाँ पर देखो आयरन की स्टेट +2 से +3, ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज रिडक्शन मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो डिक्रीज किसकी हो रही है बेटा? क्रोमियम देखो +6 से +3, तो ये आपका डिक्रीज और ये बेटा इंक्रीज, मींस दिस इज रिडक्शन ऑफ एंड दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ. गॉट इट नाउ? अब इसको नोट करना है तो इसको एक्स्ट्रा को हम रब करते हैं, डायरेक्टली नोट करेंगे और एक्स्ट्रा चीजों को मिटा देंगे साथ के साथ ताकि बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. सो नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ, बेटा दिस वन रिडक्शन हाफ.
ओके चलिए नो ऑक्सीडेशन हाफ इज Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री और बेटा रिडक्शन हाफ आपका Cr2O7 नेगेटिव से Cr प्लस थ्री ओके नाउ सबसे पहले एक चीज और करनी है इनकी स्टेट यहां पर नोट कर लीजिए क्योंकि बार बार हमें ऊपर भी जाना पड़ेगा ठीक है या यहां से भी करना चाहो यहां से भी कर सकते हो हमने सर्कल कर ली है जिन स्टेट्स में हमें काम करना है ओके चलिए डिवाइड हो गया देन बैलेंस एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस तो यहां पर बेटा आयरन की स्टेट चेंज है ऑलरेडी बैलेंस है यहां पे देखो क्रोमियम प्लस टू एटम्स है यहां पे एक एटम है तो टू से मल्टीप्लाई करते हो तो क्रोमियम इक्वल हो गया यहां पर बेटा आयरन से आयरन आपका इक्वल नाउ एड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितने का डिफरेंस है प्लस टू से प्लस थ्री देयर इज डिफरेंस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्लस टू से प्लस थ्री यहां पे बेटा क्रोमियम की स्टेट क्या थी प्लस सिक्स और यहां पे क्रोमियम की स्टेट प्लस थ्री तो डिफरेंस कितने का आया प्लस सिक्स से बेटा प्लस थ्री द डिफरेंस इज ऑफ थ्री बट हाउ मेनी एटम्स ऑफ क्रोमियम टू ये एक एटम का डिफरेंस है सो वी विल मल्टीप्लाई थ्री इंटू टू सिक्स क्लियर नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीडेशन हाफ में तो राइट हैंड साइड में ऐड होंगे और रिडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐड कीजिए ऑक्सीडेशन हाफ में जस्ट राइट Fe प्लस टू Fe प्लस थ्री प्लस वन इलेक्ट्रॉन और यहां बेटा लेफ्ट में ऐड कीजिए Cr2O7 नेगेटिव प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन ओके नाउ लिसन हमने ऐसा क्यों किया बेटा ऑक्सीडेशन का मीनिंग आपको ये भी पता होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हमेशा कहाँ दिखाते हैं ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का गेन आप कहाँ शो करोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ठीक है चलिए नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस द चार्ज बाई एडिंग अब देखिए मीडियम एसिडिक है तो चार्ज के लिए हम क्या यूज करेंगे एच पॉजिटिव आयन तो चेक करते हैं बेटा नाउ और यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ मैं कि जो स्पेसिफिक मीडियम के स्टेप्स हैं वो कैसे करने हैं तो स्टेप नंबर फाइव में आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है एच पॉजिटिव आयन एंड रिमेंबर एच पॉजिटिव आयन इज एडेड वेयर देयर इज लेस चार्ज OH नेगेटिव आयन कहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे चार्ज आपका ज्यादा होगा ये ध्यान रखना एक शॉर्टकट है अदरवाइज बैलेंस करके आप देखोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वेयर यू हैव टू ऐड चेक करते हैं Fe प्लस टू और Fe प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन माइनस वन बेटा प्लस टू इक्वल टू प्लस टू चार्जेस इक्वल है नो नीड टू बैलेंस यहां पे देखिए Cr2O7 माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल टू टू थ्री जा प्लस सिक्स सो माइनस एट से प्लस सिक्स डिफरेंस कैसे निकालते हैं जस्ट सी नोट हम माइनस एट से शुरू करेंगे बेटा माइनस एट माइनस सिक्स सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव और प्लस सिक्स तो माइनस एट को छोड़कर ये गैप कितने पॉइंट्स का हुआ 14 पॉइंट्स तो यहां पर आपको क्या ऐड करना है 14 एच पॉजिटिव ध्यान रखिए इफ दिस मीडियम इज अ बेसिक मीडियम देन वी हैव टू ऐड OH नेगेटिव और याद रखिए एच पॉजिटिव आयन कहां पे ऐड होता है वेयर देयर इज लेस चार्ज तो लेस चार्ज बेटा माइनस एट है या प्लस सिक्स है माइनस एट तो यहां पर आपको क्या करना है बेटा यू हैव टू ऐड एच पॉजिटिव 14 एच पॉजिटिव आयंस ऑन दैट साइड वेयर देयर इज लेस चार्ज सो योर इक्वेशन विल बिकम Cr2O7 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 एच पॉजिटिव 2 Cr प्लस 3 यू कैन राइट दिस वन अगेन बिकॉज देयर इज नो चेंज ओके नाउ देन आई हैव टू ऐड बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स तो बेटा यहां पर तो ऑक्सीजन नहीं है सो आई राइट इट अगेन Fe प्लस 2 से बेटा Fe प्लस 3 और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे चेक कितने ऑक्सीजन है सेवन राइट में ऑक्सीजन है नहीं है
इट मींस राइट साइड में 7 ऑक्सीजन कम है, देयरफॉर आई हैव टू ऐड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आए? देखिए यहां पे 7 ऑक्सीजन है, यहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, इट मींस 7 ऑक्सीजन लेस। तो हमने क्या ऐड किया? वी हैव एडेड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये स्टेप भी हो गया। देन स्टेप नंबर 7, ये भी बेटा मैंने सर्कल किया हुआ, इट मींस आई हैव टू सेव द मीडियम बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग एच पॉजिटिव आयंस। तो अगेन बेटा यहां तो हाइड्रोजन है नहीं, और यहां चेक करते हैं जस्टिफाइड चेक, 14 एच पॉजिटिव यानी 14 हाइड्रोजन, यहां पे 7 टू जा 14 हाइड्रोजंस आर ऑलरेडी बैलेंस, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन एंड ऐड द टू हाफ्स। दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं, कैसे जस्टिफाई आउट? बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट इज अ वे? इस पूरे को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं देन द इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, तो दिस विल बी 6Fe+2 से बेटा 6Fe+3 और 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस विल बी Cr2O7 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H पॉजिटिव गिविंग यू ट्वाइस Cr+3 एंड 7H2। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट होने चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन कट नहीं होते इट मींस वी हैव डन सम मिस्टेक, हमारे कट हो गए इट मींस हम सही जा रहे हैं, वी आर ऑन राइट ट्रैक। अब ऐड कर दीजिए बेटा रिएक्शन में रिएक्शन को, ऐड कीजिए प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को, यू विल गेट 6Fe+2 Cr2O7 नेगेटिव 14H पॉजिटिव गिविंग यू 6Fe+3 एंड व्हाट इट बी twice Cr+3 and 7H2O. Now in the end we have to check कि हमारी equation correctly balanced है कि नहीं. So how to check? Check के लिए बेटा ध्यान रखिएगा कि how will I check? Checking के लिए you remember I write here. Charge on LHS is equal to charge on RHS. If both the side अगर charge same आता है it means okay doesn't make any difference. So, चार्ज चेक करते हैं बेटा, 6 2 12 प्लस माइनस 2, डायरेक्टली माइनस 2 ही लिख लेते, प्लस 14 इक्वल टू 6 3 18 प्लस 2 3 6, ये न्यूट्रल है। तो बेटा 12 और प्लस 14 26, 26 में से 2 माइनस करो 24 इक्वल टू 18 प्लस 6 24, द चार्ज ऑन बोथ द साइड्स कम्स आउट टू बी सेम, इट मींस जो रिएक्शन हमने बैलेंस करी है वो एक्चुअली So this we have done a balancing of redox reaction by ion electron method in which medium beta? Acidic medium. Now we will do the balancing in basic medium. अब इसी method से ion electron method से we will do one reaction in basic medium. So I write the medium is now basic and the equation that I will use is MnO4 negative plus Br negative giving you MnO2 plus BrO3 negative. Again beta, same method we have to use, same steps, just following the step. The only difference comes out to be in step 5 and step 7. Chale, step 1, right? Oxidation state of all. So ऑक्सीजन बेटा माइनस 2, Mn की कैलकुलेट करते हैं x, ऑक्सीजन 2 4 8 इक्वल टू माइनस 1, सो x विल बी प्लस 7, सो द स्टेट ऑफ Mn इज प्लस 7, ऑक्सीजन माइनस 2, Br पे बेटा माइनस 1 चार्ज है, सो स्टेट विल बी माइनस 1, हियर ऑक्सीजन माइनस 2, Mn कैलकुलेट कीजिए x माइनस 4, 4 क्यों? बेटा एक ऑक्सीजन पे माइनस 2 है, सो ऑफ द टू ऑक्सीजन वी आर हैविंग माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू प्लस 4,
So this amine will have the plus 4 state. Here BrO3 negative, oxygen minus 2 और ब्रोमीन कैलकुलेट कीजिए x, ऑक्सीजन 3 पे क्या हो जाएगा माइनस 6, 2 3 का माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू प्लस 5, सो ब्रोमीन पे कितना है बेटा प्लस 5, सो ये हमने अपनी स्टेट्स को लिख लिया है, वी हैव रिटन द स्टेट्स, नीचे की कैलकुलेशन ड्रॉप करते हैं, नो नीड ऑफ दिस, स्टेप नंबर 1 वी हैव डन, नाउ वी हैव टू डिवाइड इट इनटू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. Oxidation of and second one is reduction of. Now, oxidation half, beta check karo, kiska oxidation state increase ho raha hai. So, Br minus 1 se Br plus 5. Okay? So, I will write Br negative 2 beta. BrO3 minus, and here the state of Br is minus 1, and here the state of Br is, sorry, this is plus minus 1, okay beta, accurate hai, and here the state of Br is plus 5, clear, oxidation half. Now I mean plus 7 say plus 4 decrease ho gaya, so I will write here MnO4 negative say beta MnO2. Here the state of Mn is plus 7 and here the state of Mn is plus 4. So ये आपको ध्यान रखना है, इस arrow को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, so that दिखने में कोई problem create ना हो, we'll make a small arrow. That's all. Next, balance the atom whose oxidation state changes, जिनकी state change है. तो bromine की state change है, bromine 1 equal, Mn 1 equal. कोई कुछ नहीं करना, nothing to do. Now add electron equal to difference in oxidation state. चलिए electron find out करते हैं. कितने का difference है minus 1 और 5 के बीच में? I have told you. What is the difference between minus 1 and 5? Minus 1, 0. Then plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. The difference is of 6 electrons. How many electrons? 6 electrons, understand? So ये difference ना है तो कर भाई it's a top of very low level. बच्चे confused होते हैं. जहाँ से शुरू कर रहा है उसको छोड़कर अगले से end तक जाइए difference आ जाएगा. ठीक है? कई बच्चे इसमें भी confused हो जाते हैं, तो doesn't mean no need to confuse. तो electrons आ गए 6. यहाँ पे plus 7 से plus 4, 3 electrons. Now कहाँ पर add होंगे? In oxidation half electron are added to right hand side. In reduction they are added to left hand side. तो ये oxidation में बेटा मैंने right में I'll write again. Br negative 2, BrO3 negative plus 6 electron, and this will be MnO4 negative plus 3 electrons gives you MnO2. Next, balance charge. Now we are dealing in basic medium. So for the बेसिक मीडियम बेटा चार्ज के लिए वी हैव टू ऐड OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन वहां पे ऐड होगा वेयर देयर इज मोर चार्ज. रिमेंबर एच पॉजिटिव इट वाज एडेड, जहां पे चार्ज कम था. ये कहां पे जाएगा? जहां पे चार्ज आपका ज्यादा होगा, कीप इट. सो चेक करते हैं यहां पे चार्ज कितना बेटा, माइनस 1 इक्वल टू अगेन माइनस 1 माइनस 6, सो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 7, सो अगेन द सेम मेथड, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, सो 1 के बाद डिफरेंस 1 2 3 4 5 6, 6 का डिफरेंस. हियर MnO4 नेगेटिव माइनस 1, 3 पे माइनस 3 इक्वल टू, इस पे कोई चार्ज नहीं, 0, सो माइनस 4 इक्वल टू 0, बेटा कितने का डिफरेंस, 4. अब विच इज द मीडियम, बेसिक मीडियम, सो यहां पर मैं ऐड करूंगा बेटा, आई विल ऐड 6 OH नेगेटिव एंड हियर आई विल ऐड 4 OH नेगेटिव, बट OH नेगेटिव आर एडेड जहां पे चार्ज आपका ज्यादा है. तो बेटा ये देखो, अब जो ज्यादा चार्ज होगा दैट विल बी माइनस 1 और माइनस 7, ऊपर की साइड माइनस 1 होगा, सो व्हाट विल आई डू,
सिक्स ओ एच नेगेटिव प्लस बी आर नेगेटिव इक्वल टू बी आर ओ थ्री नेगेटिव प्लस सिक्स। सेकेंडली आप चेक भी कर सकते हो, देखो सिक्स और वन सेवन हो गया, सिक्स और वन सेवन हो गया। यहां पर भी ज्यादा चार्ज कौन सा है, माइनस फोर या जीरो, नेगेटिव नीचे आता है तो जीरो, मींस राइट साइड में आई हैव टू ऐड फोर ओएच नेगेटिव, एमएनओ फोर नेगेटिव थ्री इलेक्ट्रॉन्स, एमएनओ प्लस फोर ओएच नेगेटिव। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? चलिए चार्ज हो गया। देन बैलेंस ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन के लिए क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, वी हैव टू ऐड। सो यहां पर देखिए बेटा सिक्स ऑक्सीजन है और यहां पे थ्री ऑक्सीजन है, तो कितने का डिफरेंस है, थ्री। सो सिक्स ओ एच नेगेटिव बी आर नेगेटिव बी आर ओ थ्री नेगेटिव प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस, देखो सिक्स ऑक्सीजन थ्री ऑक्सीजन, थ्री का डिफरेंस थ्री एच टू, कितने वाटर ऐड हो गए बेटा, थ्री एच टू। नाउ यहां पर चार ऑक्सीजन यहां पे है और फोर इंटू सिक्स यहां पे है, फिर से देखिए फोर ऑक्सीजन है, फोर प्लस टू सिक्स, तो यहां कितने कम है, टू कम है, MnO4 नेगेटिव थ्री इलेक्ट्रॉन्स टू एच टू गिविंग यू MnO2 प्लस फोर OH नेगेटिव। क्लियर? नाउ बैलेंस हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम में जहां पर हाइड्रोजन कम है उतनी ही सेम नंबर के वाटर ऐड कर रहे हैं और उसके अपोजिट साइड में सेम OH नेगेटिव। सो जस्ट चेक आउट, सिक्स हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स बैलेंस्ड, टू टू जा फोर एंड फोर। एक चीज और मैं कहूंगा बेटा, ये स्टेप जो है 99.9% में करने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि बाय सीइंग दिस स्टेप वी कैन आइडेंटिफाई दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक और ऑन द रॉन्ग ट्रैक। क्योंकि अगर हाइड्रोजन की बैलेंसिंग आ जाती है तो एक बार, इट्स माई पर्सनल सजेशन, दोबारा से जरूर देखिए, क्योंकि ये 100 में से किसी एक रिएक्शन में करना पड़ेगा। और टेक्निकली स्पीकिंग माई 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग मैंने ये सिर्फ दो या तीन रिएक्शन में किया है, ठीक है ना। तो इसको मैं कहूंगा कि इस स्टेप को बड़े ध्यान से करना है, सपोज ये स्टेप आ गया तो एक बार ऊपर से दोबारा चेक कर लीजिए, और स्पेशली इस स्टेप को चेक कीजिए चार्ज और ऑक्सीजन वाले को, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होगी तो यहां पर आपका जो भी आएगा दैट विल बी। सो नेक्स्ट इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन, यहां पे बेटा सिक्स इलेक्ट्रॉन है, यहां पे थ्री है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ऐड करेंगे। सो पहले आप इसको लिखते हैं एज इट इज, सिक्स ओ एच नेगेटिव प्लस बी आर नेगेटिव गिव्स यू बी आर ओ थ्री नेगेटिव सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस थ्री एच टू, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई टू, सो दिस विल बी टू आई सेवन ओ फोर नेगेटिव टू थ्री जा सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस टू टू जा फोर वॉटर, देन ट्वाइस एम एन ओ टू, देन टू फोर जा एट OH नेगेटिव। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट, ये एसेंशियल कंडीशन है। अब देखिए और चीजें भी कट हो सकती हैं, यहां पे कितने वाटर है, फोर, कट कीजिए थ्री वाटर, कितने बचेंगे, वन वाटर इज लेफ्ट। यहां पे सिक्स OH नेगेटिव, यहां पे एट OH नेगेटिव, कितने बचेंगे, टू। अब इसको लिखना है, जस्ट राइट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस Br negative plus H2O. Left side complete. Twice MnO4 negative, Br negative or 8 water. Right में चलिए. Br O3 negative plus beta twice MnO2 and twice OH negative. ठीक है? Now we have to check इट इज करेक्ट और रॉन्ग। सो चार्ज चेक कीजिए, यहाँ पे कितना चार्ज है, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, ब्रोमीन माइनस वन, वॉटर न्यूट्रल, लीव आउट, बी आर ओ थ्री माइनस वन चार्ज है, और एक ओ एच पे एक नेगेटिव है, टू पे टू माइनस टू, तो माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री, इट मीन्स चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू चार्ज ऑन राइट हैंड साइड। सो दिस वी हैव डन द बैलेंसिंग टुडे, वी हैव डन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बोथ द मीडियम, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। दैट्स ऑल।